Hello guys, good evening. Welcome back to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को एक चीज बना कर दिखाऊंगी। तो उसके लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, एक बैलून की ज़रूरत है और ये डिस्पोजल स्पून है। इस स्पून को मैं कैसी से इस तरह से किसी से काट कर लिया है। इस तरह से मैंने किसी से काट करके लिया हूँ और अभी इसको मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लो में दे दूंगी। इस तरह से मैं लगाते जाऊंगी, इसके ऊपर सूख जाएगा तो मैं पूरे बैलून के ऊपर इसको कवर कर दूंगी। अभी मैं कुछ डिस्पोजल स्पून पुराना था है मेरे पास बहुत सारे है तो मैं ये भी इसके ऊपर लगा रहा हूँ। तो आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आप लोग इसके ऊपर रखेंगे और इसको अर्थात ग्लू को ये दोनों तरफ इस तरह से लगा दीजिए। वो जल्दी ही सूख जाता है और लग जाता है। अगर आप लोग इसकी जगह फेविकोल को यूज करेंगे तो वो इतना जल्दी नहीं लगता है, इतना जल्दी सिपक नहीं जाता है इसके ऊपर। तो ये ग्लू गन तो मेरे लिए बहुत काम की चीज है। अभी तो इस तरह से मैं लगाते जाऊंगी। ये पुराना है तो इसको मैं क्या करूंगी, यहीं पे लगा देती हूँ। अभी फिर कलर करूंगी तो वो सब नहीं दिखेगा ना ये। तो मैंने इस तरह से दोनों तरफ इस तरह से मैंने लगा दिया है ये। इस तरह से मैं कवर कर लेती हूँ। अभी नीचे की पार्ट में करूंगी तो इसके ऊपर इस तरह से लगाना है। अभी तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी ये बिल्कुल आसान है, इस तरह से आप लोग ने फिंगर से इस तरह से पकड़ लीजिए और गान को इस तरह से दोनों ओर इस तरह से लगा दीजिए। इस तरह से लगाऊंगी और ज़्यादा नहीं है। अभी मैं पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को अभी इसके नीचे एक सपोर्ट देना पड़ेगा राउंड करके, तो वो मैं अभी बनाऊंगी। उसके लिए हमें इस तरह के कागज लेना होगा और उसके ऊपर रूल बनाऊंगी। ऐसे इस तरह से हमें रूल बनाएंगे। ऐसे कागज को रूल कर लिया तो अभी हम थोड़ा यहाँ पे ग्लो लगा के सिप कर दिया है। सिपक गया है तो हम इसको निकाल लेंगे और इस तरह से हो जाएगा। तो फिर हम इस तरह से प्रेस करके उसको फेड कर लेंगे और आप लोग इस तरह से इसके ऊपर उसको रोल करना है। इस तरह से आप लोग मैं इसमें थोड़ा ग्लो लगा लूंगी। मैंने बना लिया है ये सब, इसी तरह से बना के रखा था मैंने। तो अभी मैं ऊपर हम अभी इसको इस तरह से सिपका जाएंगे। इस तरह से इसमें थोड़ा गम लगाऊंगी और इसको इस तरह से लगा दूंगी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा लगाने से हो जाएगा। इसे रख लीजिए तो आसान होगा। और उसके बाद इसमें थोड़ा
ग्लू लगा के इस तरह। इस तरह से पूरा मैं लगा लूंगी। अभी ये अभी सूख गया है तो हम इसको अभी निकाल लेंगे। ये निकल आया यहाँ से तो हम अभी इसको रखेंगे और बेसन को रख देंगे इस तरह से। यहाँ पे मैं ग्लू को लगा लूंगी, ग्लू को लगा लूंगी इस तरह से और बीसों बीस इसको रख दूंगी जी। अभी तो ये कंप्लीट हो गया है, अभी मैं कलर करूंगी और उसके बाद आप लोगों को। अभी हम इसको लगा दिया है नीचे तो अभी बैलून को अभी उतार देंगे हम। देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कलर करना अभी बाकी है, कलर करने के बाद आप लोगों को मालूम होगा। अंदर में एक लाइट फिट कर दूंगी, छोटा सा एक लाइट लोगों को दिखाऊंगी। ये कंप्लीट हो गया है, कलर भी कर लिया हूँ मैंने तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसा लग रहा है ये। और मैं अंदर एक लाइट भी फिट कर दिया हूँ तो मैं स्विच देकर आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और रात में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। और जो लोग नए मेरे चैनल को देख रहे हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो अभी रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़।